तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं थैनोस की कहानी, कैसे उसने अपने जिंदगी के 99 ईयर काटे, कौन कौन थे उसके दुश्मन और कौन कौन थे उसके दोस्त। तो आइए जानते हैं उसकी पूरी जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार वैसे भी लेट हो रहा और पता नहीं ये दोनों कहां पर है, ये रहे। अरे कभी ये उछलता है कभी ये मचलता है हरदम बेकाबू। अबे बेसुरे ये क्या गा रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया गाने दो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। अरे पर कहां, तुम लोग आओ मैं अपना बताऊंगा। गाइस जल्दी से जाके गाड़ी में बैठते हैं, ये दोनों एक नंबर के भुलक्कड़ है। अरे अभी बताओगे कहाँ पर जा रहे हो? तुम दोनों को कल से 10 बार बता चुका हूँ, हमेशा भूल जाते हो। अरे पर क्या, आज हम लोग सुपरमार्केट जाने वाले थे। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। अरे मुझे बराबर याद है, आपने मुझसे वादा किया था बहुत सारी चॉको चिप दिलाओगे। ले लेना मेरे भाई। तो फिर मुझे भी बहुत सारी हड्डियाँ दिलाना। वो तो कभी नहीं दिलाऊंगा। अरे पर क्यों? क्योंकि तू एक ही दिन में पूरी खत्म कर देता है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो देखो, अबे ये तो थानोस जैसा लग रहा है। जल्दी से यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ। अरे ये कहाँ से आया? रुक जा चौप, उतरने तो दे, अभी जाके पूछते इससे। गाइस ये थानोस ज्यादा छोटा नहीं लग रहा है। हम थानोस नहीं है, हम उसके पिताजी है। अरे थानोस कॉम्प्लेन पीना बंद कर दिया है क्या? हमने कहा ना हम थानोस नहीं है। अरे पर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? कुछ सालों पहले हमने अपने बेटे को धरती पर भेजा था ताकि वो सेफ रह सके। हाँ तो उसके बाद वो हमें कभी भी नहीं मिला। तो उसमें मैं क्या करूँ? हमें पता चला है कि उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध था। था तो सही पर फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अबे यार ये अलग मुसीबत है, मेरे पास एक आइडिया है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। कहाँ पर लेके जा रहे हो? अरे आओ तो सही, गाड़ी में बैठो ना। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी सीट पे बैठ गया। चलो कोई नहीं मैं पीछे बैठ जाता हूँ। चौप तू आ रहा है कि मैं जाऊँ? अरे लो आ गया। अरे पर कहाँ पर जा रहे हो? टोनी के घर पे। मुझे पता ही था। अरे वो तो ऑब्वियस है क्योंकि इसके सवालों के जवाब वही दे सकता है। अरे ये तो आपने एकदम सही बोला। तो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, हम लोग तो पहुँचने ही वाले हैं। ये तुम हमें कहाँ पर लेके जा रहे हो? अरे यार चलो तो सही, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया गाड़ी को यहीं पे रोक दो। अब जल्दी से उतरते हैं और जाते सीधा अंदर। आ जाओ सब लोग। अरे फ्रैंकलिन कैसे हो? सब लोग इससे मिलो। ये तो थानोस है, हल्क इसको छोड़ेगा नहीं। अरे हल्क ये थानोस नहीं है, ये उसके पिताजी है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, ये मुझे रास्ते में मिले थे। पर तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हो? अरे इनको जानना है कि थानोस के साथ क्या हुआ था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इनको बताऊँ। अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी बात है। जल्दी से हमें बताओ। टोनी यार जल्दी करना, ये मेरी जान खा गया है। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, अब जल्दी से जाता हूँ। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। तो गाइस आप लोग भी जल्दी से लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं थानोस की कहानी। ये उस समय की बात है जब गॉड्स और डेविल्स के बीच में एक जंग छिड़ जाती है जिससे के पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिल जाता है और इसका सबसे ज्यादा असर टाइटन ग्रह पर पड़ता है जहाँ पर थानोस के पिताजी रहा करते थे। पर फिलहाल थानोस बहुत ही छोटा सा बच्चा था। इससे पहले कि ये ग्रह तबाह हो मुझे मेरे बच्चे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, अब ये बहुत छोटा है। तुम सब लोग यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे मैं खुद जाऊंगा और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे तुम लोगों ने मेरी सेवा की है मेरे जाने के बाद मेरे बेटे की भी सेवा करना, इसे पता चलना चाहिए कि इसके पिताजी से कितना प्यार करते थे, समझे मेरी बात? जी मालिक, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है अपना कर्तव्य निभाना, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये मैं चला, थानोस के पिताजी उसे इस ग्रह से निकालना चाहते थे ताकि उस पर कोई भी संकट ना आए, क्योंकि हर माँ बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। वो रही स्पेसशिप, मुझे जल्दी से इसके पास पहुँचना पड़ेगा, जल्दी से जाता हूँ। ये मैंने छलांग लगाई, चलो फाइनली पहुँच ही गया। मुझे ये करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा, बस मुझे भूल मत जाना। पिताजी आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊंगा? तुम्हें जाना पड़ेगा बच्चे, अभी निकलो, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा ठीक है जाता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता जाना कहाँ पर है। इस तरह थानोस के पिताजी ने थानोस को अलविदा कहा और उसे सुरक्षित इस ग्रह से निकाल दिया। पर किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि थानोस का ये सफर कहाँ पर जाके रुकेगा, क्या वो बच पाएगा या अंतरिक्ष में भटकते हुए अपनी जान खो देगा। अरे ये मैं कहाँ पर गिर रहा हूँ, मेरी स्पेसशिप तो क्रैश होने वाली है, मुझे कैसे भी करके बचना होगा, कोई है प्लीज मुझे बचा लो, ये क्या हो गया? स्पेसशिप तो बर्बाद हो चुकी थी पर खुशी की बात यह थी कि थानोस अभी भी जिंदा था। अरे वो सामने क्या गिरा है, जल्दी जल्दी जाके देखता हूँ, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, कल तक तो यहाँ पर नहीं थी, जरा उतर के देखूँ तो सही ये सब है क्या, ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक बच्चा है, इसका रंग तो पर्पल है, कहीं से कोई बीमारी तो नहीं, क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ इसे अपने साथ ले जाता हूँ, ऐसे मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। चलो मैंने इसे अपने साथ ले लिया, अब जल्दी से जाता हूँ, जब तक इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए नहीं आते इसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं इसे नई जिंदगी दूंगा।
पता नहीं इसके माँ बाप कैसे होंगे, इससे अच्छा मैं इसे पाल लेता हूँ। चलो मैं अपने घर पे पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा रास्ता बाकी है और ये मैं पहुँच गया। अब जल्दी से गाड़ी रोकता हूँ। बच्चे बाहर आ जाओ, ये रहा तुम्हारा नया घर, मिलो अपनी नई मम्मी से। मम्मी, किसकी मम्मी? ये देखो डार्लिंग मैं क्या लाया हूँ, आज से ये हमारा बच्चा। ये कैसे बैंगन के कलर का बच्चा है? पता नहीं इसका रंग ऐसा क्यों है, मुझे लगता है ये भगवान की देन है, हमें इसे अपना लेना चाहिए। वैसे भी हमारा कोई बच्चा नहीं है। ये बात तो तुमने एकदम सही बोली, वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप बनते हैं, पर बड़े होके वो किसका रूप ले ले ये किसी को भी नहीं पता। और ये तो थानोस था जो सुपर विलन फैमिली से बिलोंग करता था। कहानी कुछ साल बाद की, जब थानोस 20 साल का हो जाता है पर अभी भी उसे नहीं पता वो कहाँ से आया था। दोनों आज का दिन तो कितना सुहाना है, थोड़ी देर और वॉक कर लेते हैं फिर घर पे चलेंगे, पापा अपना इंतजार कर रहे होंगे। हे तुम दोनों हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें आगे जाने दो। अबे फैंसी ड्रेस, तू जानता है हम लोग कौन है? तुम लोग जो कोई भी हो हमें आगे जाने दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुम लोगों से झगड़ा करना नहीं चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, इस कुत्ते को मैं मार दूंगा, बड़ा कुत्ता घुमाने का शौक है। ये ले और ये भी ले। ये तुमने क्या किया? सोनू उठो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ये लो। तुम लोगों ने बहुत गलत किया, मुझे सोनू बहुत प्यारा था, तुम्हें तो मैं जला के राख कर दूंगा, ये लो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सोनू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। ये लोग तो जानवर से भी बदतर थे, इंसान बहुत ही बुरे होते हैं, बहुत कम ही इंसान है जो अच्छे होते हैं। यहाँ पर थानोस ने अपने पेट को खो दिया था और उसी गुस्से में उसने उन गुंडों को भी पीट दिया, पर उसे नहीं पता था इसका क्या अंजाम हो सकता है, क्योंकि उन गुंडों का बॉस एक डॉन था और उसे थानोस के घर का पता चल चुका था। अच्छा तो यही घर है, आज तो इनको नहीं छोड़ेंगे। पंटर लोग, तुम लोग तैयार हो? इस घर को जला के खाक कर दो, मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग मर जाए। अच्छा ठीक है बॉस, अभी करते हैं। और पपलिया तू तैयार है ना? फेंक। अब मैं भी फेंकता हूँ, ये लगा निशाना ये गया, एक और फेंकता हूँ, आज तो चारों बाजू आग आग कर देंगे। बॉस हमने आग लगा दी है, अब कुछ ही देर में जल के खाक हो जाएगा। ये आग किसने लगाई मेरे घर पे? ये सब क्या हो रहा है? मम्मी पापा ठीक तो हो ना? चलो यहाँ का काम तो पूरा हुआ, अब बस कुछ देर की बात है फिर ये जगह खाक में मिल जाएगी। अब चलते हैं यहाँ से, हमसे पंगा लेने चला था जोकर कहीं का, मेरे आदमियों को हाथ लगाएगा तो ऐसा ही होगा। देखते ही देखते वो जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जैसे ही FBI को इस चीज का पता लगता है वो तुरंत मौके पर कार्रवाई करने पहुँचती है। ये सब क्या हो गया यहाँ पर, ये आग कैसे लगी? इंस्पेक्टर कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर हम अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं। और ये बच्चा कौन है जो रो रहा है? पता नहीं, अभी जाके उसे कार्रवाई करता हूँ, इन दोनों को पता होगा। हे तुम दोनों, अभी तक इस बच्चे ने कुछ बताया? बताया तो कुछ खास नहीं है, पर ये बोल रहा है कि जो अंदर दोनों जन मरे हैं वो इसके मम्मी पापा थे। अब इसकी शक्ल से तो लग नहीं रहा है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इसकी शक्ल से तो लगता है ये झूठी बोल रहा है, इससे अच्छे से कार्रवाई करो, ये दिखने में काफी अजीब है, मुझे लगता है खून इसी ने किया होगा। बच्चे ये रोने का नाटक बंद कर दो, हमें पता है ये सब तुमने ही किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें क्या हम बेवकूफ लगते हैं? तुम कितनी भी कोशिश कर लो बचने की, पर कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और वैसे भी तुम तो शक्ल से ही विलन लगते हो, मैं तुम्हें फांसी की सजा दिलवा के रहूंगा। वो दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी जाके देखता हूँ। हे खिड़की से देखना बंद करो, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे बेवकूफ आदमी, और तुम अपना ये नाटक बंद करो, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू से मैं पिघलने वाला नहीं। ये दोनों यहाँ पर हंस क्यों रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये दोनों तो इसको चिढ़ा रहे हैं, तुम दोनों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो। और तुम्हारी बारी, एक नंबर के पागल दोनों जन। और तुम बच्चे ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि मुझे तुम पे दया आ गई, इन दोनों की गलती थी इसलिए इनको सजा दी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी भी खैर नहीं, फिलहाल तुम्हारा ब्रेक टाइम है, जाओ बाहर और कुछ गड़बड़ मत करना, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। चलो फाइनली बाहर निकला, और सबको मजा चखाऊंगा जिन्होंने मुझे परेशान किया था, ये लो। और तुम भी लो, रोज चिढ़ाते हो ना मुझे, तुम्हें नहीं पता मुझ में कितनी ताकत है, भागते कहाँ पर हो? ये लो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे मार सको, और अब ये लो। चलो सबको मजा चखा दिया। अरे ये क्या, मुझे माफ कर दो, ये लोग मुझे रोज चिढ़ाते थे इसलिए मैंने इनको सबक सिखाया। बच्चे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही कहा था, तुम तो जेल में आने के बाद भी क्राइम करने लगे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, ये लो। अभी तक बच्चा समझ के छोड़ रहा था, पर तुम सुधरने वाले में से नहीं हो, ये लो। और ये भी खाओ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी बताता हूँ तुम्हें। हे तुम सुनो, अपनी गन मुझे दो, अभी बताता हूँ इसको जेल में कायदे कानून तोड़ने की सजा क्या होती है। अब तो तू गया, ये थानोस का अंत नहीं था, ये थी शुरुआत उसके थानोस बनने की, क्योंकि थानोस के पिताजी ने जिन रक्षकों को इसका जिम्मा सौंपा था वो अब धरती पर पहुँचने वाले थे, और ये चीज उस प्रिजनर गार्ड को बहुत भारी पड़ने वाली थी। और ये क्या है, ये अचानक यहाँ से कैसे आ गई? जल्दी से इस पे गोलियां चलाओ, ये क्या मुसीबत है, मुझे जल्दी से मिलिट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये रहे थानोस सर, पर ये क्या, ये तो मुसीबत में लग रहे हैं। ड्रॉप जाओ और थानोस सर को खुश कर दो, उन्हें बताओ कि तुम कितने वफादार हो। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ, मैं आ रहा हूँ थानोस सर, अब कोई नहीं बचेगा, तुम लोगों ने थानोस सर को परेशान किया, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है ये एलियन है, यहाँ पर आओ, अब जाओ यहाँ से। और तुम भी लो, तुम्हें अभी पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये सृष्टि के राजा है और तुम सब इनके गुलाम। थानोस सर हम आ चुके हैं, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कौन हो और मेरे सामने ये झुके क्यों हो? हम
हमें आपका ही गुलाम समझ लीजिए, हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। पर मैं तुम लोगों को नहीं जानता, हमें आपके ही बच्चे समझिए। आपके पिताजी की इच्छा थी कि हम आपकी सेवा करें। तुम जानते हो मेरे पिताजी को, पर कैसे? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये आपके असली पिताजी नहीं थे। आपके असली पिताजी टाइटन ग्रह पर रहा करते थे। तो कहाँ पर है वो, आए क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आपके जाने के बाद टाइटन की आबादी बढ़ चुकी थी, उस ग्रह ने अपना पूरा संतुलन खो दिया। लोग खाने पीने और रहने के लिए आपस में लड़ पड़े, जिसके चलते वहाँ पर कुछ नहीं बचा और धीरे धीरे करके सभी ने अपनी जान खो दी, जिसमें आपके पिताजी भी थे। ये सच नहीं हो सकता, ये सच ही है, आपको मानना पड़ेगा। अगर ये सच है, अगर ऐसी बात है, तो मैं यूनिवर्स के आधे लोगों को मिटा दूंगा, ताकि ये मुसीबत और किसी को देखनी ना पड़े। आप जैसा कहे मालिक, पर उसके लिए आपको अनंत मणियों की जरूरत पड़ेगी और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए गॉन्टलेट की। ये सब क्या है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, अगर वो आपको मिल गई तो दुनिया आपके कंट्रोल में। ऐसी बात है तो हम उन्हें ढूंढेंगे, चलो जल्दी से। चलो फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरे चारों सूट बन के तैयार हो गए, अब ये पूरी तरीके से तैयार है। अब ये किसका फोन आ रहा है मुझे, जल्दी से उठाता हूँ। अरे ये क्या, ये तो निक फ्यूरी का फोन है। हेलो टोनी, मेरी बात ध्यान से सुनो, थानोस को इन्फिनिटी स्टोन का पता चल चुका है। इससे पहले कि वो उन तक पहुँचे, तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ, जल्दी से जाके ये बात अवेंजर को बतानी पड़ेगी। अरे ये क्या, ये सब तो सो रहे हैं, मुझे इन्हें उठाना ही पड़ेगा। उठ जाओ सारे के सारे, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ये सब तो उठ ही नहीं रहे। उठ जाओ सारे के सारे, ये इमरजेंसी है। चलो फाइनली उठ गए। अरे क्या हो गया, हमें क्यों उठाया? कल को बहुत ही प्यारी नींद आ रही थी, ये वक्त सोने का नहीं है। थानोस को इन्फिनिटी स्टोन का पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त इन्हें लेने आ सकता है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही मुसीबत वाली बात है। अरे पर एक मणि तो हमारा पास है। ये बात तो अच्छी है कि पांच में से चार मणि तो हमारे पास है, एक विजन के पास है, एक थॉर के पास है और एक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, और एक मणि अवेंजर मेंशन पर है जिसकी रक्षा हम कर रहे हैं। पर आगे हम क्या करेंगे? हमें टीम में डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर थानोस हमसे पहले उस मणि तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और तुम सब संभल के रहना, क्योंकि वो मणि के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, पर हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। रुको मैं अभी फ्रैंकलिन को फोन करता हूँ। गाइस यार क्या सुहाना दिन है। अबे यार ये किसका फोन आ रहा है? टोनी। हेलो। हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोल भाई। तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, फिलहाल यहाँ पर आ जाओ। विजन यहाँ पर अकेला है। ये क्या फोन काट दिया? बोला है तो जाना पड़ेगा, जल्दी से जाता हूँ। सिंचन चौप, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे सुनोगे? अरे हाँ बोलो फ्रैंकलिन भैया। सुनो अभी अपने को निकलना पड़ेगा। अरे पर कहाँ पर? टोनी के घर पे। अरे पर क्यों? देख तुम दोनों मेरे को चिल्लाना मत, पर मुझे नहीं पता। अरे ये क्या फिर से, आप कभी पूछते क्यों नहीं हो? अरे यार मैंने पूछा था पर उसने फोन काट दिया। एक नंबर के बेवकूफ हो बेवकूफ। अरे छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। जल्दी जल्दी जाते हैं, बैठता हूँ अपनी गाड़ी में। अरे रुको मेरे लिए भी। तो आप जल्दी से निकलते गाइस। अरे ध्यान से चलाओ, इतने डरे हुए क्यों हो? बात ही ऐसी है, टोनी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया? टेंशन यार मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे तो आपको पता क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो, हल्क और कैप्टन अमेरिका, तुम लोगों की जिम्मेदारी है इस मणि को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। अच्छा ठीक है। और मैं और स्पाइडरमैन जाएंगे पांचवे मणि को लेने। अब जल्दी से निकलो सारे के सारे। आ जाओ स्पाइडरमैन, हमें लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना, हम जल्दी से निकलते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो चले गए, अभी हमें भी जाना चाहिए। आ जाओ हल्क। हल्क अभी आया, अब चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है हल्क, चारों बाजू ध्यान रखना, अगर वो लोग आए तो मुझे सतर्क कर देना। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो कैप्टन, हल्क तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे ये क्या हो गया सामने? अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे लगता है ये थानोस की टीम का होगा। ध्यान से कैप्टन, ये तो बहुत ताकतवर है, जल्दी से गाड़ी भगाओ। भगाई राहू, पर गाड़ी की हालत बहुत खराब है। अरे ये क्या हो गया, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागो कैप्टन। अरे ये तो यहाँ पर भी आ गया। अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो रुक ही नहीं रहा है, हल्की से संभाल लेगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अरे बाप रे ये क्या हो गया? कहो पर भाग रहे हो, तुम बचोगे नहीं, वो मणि मुझे दे दो। ये लो। ये तो बहुत जोर से मार रहा है, छोड़ो मुझे, वो मणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी भागता हूँ, मेरी शील्ड आ गई, ये रही, अभी आने दो इसे, मजा चकाता हूँ। ये लो और ये भी लो और ये खाओ। अरे अरे ये क्या हो गया, बच गया मैं। और अब ये लो, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मणि ले लोगे? अब ये लो और ये खाओ। अरे ये तो वापस उठ गया। तुम बचोगे नहीं, तुम सब पिद्दी हो हमारे सामने, हमारी ताकत के सामने यूनिवर्स की कोई ताकत नहीं टिक सकती। ये लो, तुम्हें क्या लगा था तुम हाथ पैर चलाओगे तो हमें मार दोगे? पर ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं पे रुक जाओ, हल्क आ गया है, तुमने हल्क के दोस्त को मारा, हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हिम्मत है तो हल्क से लड़के दिखाओ, हल्क तुम्हारी चटनी बना देगा। ये लो, तुम नहीं बचोगे। अरे बाप रे ये क्या हो गया? ये लो और अब ये खाओ, तुम्हें हल्क के दोस्त को मारने की सजा मिलेगी। ये लो, छोड़ दो मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो, तुमने हल्क को उठा के फेंका, हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये खाओ, अब यहाँ पे आओ, तुम तो गए मेरे हाथ से। ये लो, और ये क्या हो गया, ये तो फिर से उठ गया, ये तो बहुत जोर जोर से मार रहा है। तुम सारे के सारे अवेंजर पिद्दी हो, मेरी ताकत के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। ऐसी बात है तो ये लो और ये खाओ, और अब ये लो, तुम्हें तो मैं खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे, जल्दी से उठता हूँ। उठते कहाँ पर हो? ये लो और ये भी खाओ, तुम्हारी मौत आज
निश्चिंत है, वो मणि तो मैं लेके ही जाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो, वो मणि मुझे वापस दो। मुझे क्या पागल समझा है, अब तो तुम गए, ये लो। चलो आखिरकार वो मणि मेरे हाथ आ गई, अब जल्दी से थानो सर के पास जाता हूँ। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, जॉब टोनी का फोन था। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बोला उन्होंने? वो बोल रहा था कि धरती पर कोई तो सुपर विलन है जो कि इन्फिनिटी स्टोन की तलाश में। अरे अब ये क्या होता है, शिनचैन वो स्टोन ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। अरे क्या बात कर रहे हो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक स्टोन तो हल्क और कैप्टन अमेरिका के पास है जो कि उसको एक सुरक्षित जगह पे लेके जा रहे। अच्छा इसी बात है क्या, चलो ये तो अच्छा हुआ। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हम लोग बहुत ही खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पर तुमने ये सब थॉर को बताया? और ये तो मैं भूल ही गया, अभी थॉर को फोन करता हूँ। अरे ये किसका फोन है, जल्दी से देखता हूँ। ये तो टोनी है। हेलो थॉर। हाँ बोलो टोनी, तुम्हारे पास जो स्टोन था उसे संभाल के रखना। वो तो हमने संभाल के रखा हुआ है। और हुआ क्या, थानोस को स्टोन का पता चल चुका है और वो उसे लेने वहाँ पर जरूर आएगा। ये तुम क्या बोल रहे हो, ये एकदम सच है, तुम संभाल के रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा ठीक है, हमें ये बात पिताजी को बतानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये रहे पिताजी। पिताजी हमारी बात सुनिए, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम, थानोस आ रहा है इन्फिनिटी स्टोन लेने, हमें उसे रोकना पड़ेगा। वो तो बहुत ही खतरनाक है, अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो पूरी ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पर वो इन्फिनिटी स्टोन होगा। चलो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, अब जल्दी से जाके वो स्टोन ढूंढता हूँ। तुम दोनों कौन हो और मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से वरना ये चीज तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। चुपचाप वो स्टोन मुझे दे दो। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, उस स्टोन पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी चुनौती दे रहा हूँ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ऐसी बात है तो ये लो और अब ये खाओ, अब तुम्हारी बारी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं थानोस हूँ, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर विलन, तुम आज बचोगे नहीं। अरे ये क्या हो गया, दूर हटो हमारे पिताजी से, तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। एसगार्ड से दूर हो जाओ, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। ऐसी बात है तो आ जाओ मेरे पीछे, इसे तो मैं दूर ले जाके मारूंगा। ये रहो वो, इसका हथियार तो बहुत ही ताकतवर है। अब ये लो और ये खाओ और अब ये लो, वो स्टोन तो मैं लेके रहूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ पर गया, और ये क्या हो गया? थानोस तुम बचोगे नहीं आज हमारे हाथ से, हमें लोग भगवान कहते हैं और तुम्हें भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। ऐसी बात है तो ये लो और अब ये खाओ, तुम भगवान हो तो मैं शैतान हूँ, तुम्हारा ये पोर्टल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम सारे अवेंजर को मैं मार दूंगा। ये लो और अब ये लो और ये खाओ, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हमें वो स्टोन लेने दो, तुम मरने से बच जाओगे। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो थानोस, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा वो सोचो, क्योंकि वो स्टोन तो मैं ले ही लूंगा और तुम्हें भी मारूंगा। तुम सारे के सारे मूर्ख हो, मैं वो स्टोन एक अच्छे काम के लिए ले रहा हूँ, तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। चलो आखिर में ये स्टोन मुझे मिल ही गया। और ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ताकत फील हो रही है, मेरी ताकत तो अचानक बढ़ गई और मुझे मेरा आर्मर भी मिल गया, इन स्टोन में तो काफी ताकत है। ये क्या हो गया, ये रुक कैसे गई? अबे यार फिर से नहीं, अरे ये तो फिर से खराब हो गई। टोनी यार एक बार में इसको ठीक करा लेना, बार बार खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी ठीक करा लूंगा। गाइस यार हमें माफ कर देना, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।